माल के जरिए जिहाद करना और जड़ा बंदा अपने माल दीन वास्ते इस्तेमाल करना और दीन वास्ते माल देना ये जिहाद बिल माल है। जिसका अहले सुन्नत का एक मदरसा है आप उसको पैसा देते हैं या किसी आलम की खिदमत करते हैं। वैसे तो साढ़े आले वाज उलमा की खिदमत करना है ही नहीं है साढ़े साड़ी दे फैशनेबल नाल खाना होते पैसे सड़ने हैं जाहिल खतीबों के पैसे वेला सड़ने हैं। वैसे तो ये करते हैं लेकिन जो आलम दीन है ना जिस कुरान हदीस पढ़ी हुई है 10 साल जिस पूरा दस से निजामी किया जरा फागत तहसील है वो आलम दीन है उसकी जी खिदमत करनी माल देना ये जिहाद बिल माल है। यानी पैसा दीन से थोड़ा लगता पा किसी आलम दीन की खिदमत करने पे हो जरा तू तो समझता मुके तो नहीं आया कि मैंने पैसे लेने और ये साढ़े आले सुनने के कल भी आवे और ये 80,000 एक लाख एहनाद खान देता है 80,000 एक लाख मौलवी देता है और यकीन करो ये मैं ये वेख्या ना कि वो जिन्हें वो सारे अनपढ़ जाए खदीबे पाकिस्तान खदीब बने पैदे तो लखा रुपए दे के मंगवाने कुरान सदा नहीं पढ़ सकते हदीस हजूर दी नहीं बिना ला पढ़ सकते ऐ जे उलमा जड़े दीन दी खिदमत करदे पैन जड़े मदारिस चला रहे इना दी खिदमत करना ए भी जिहाद है। हुण असी इत्थे बैठे हैं हुण असी फलस्तीन दे जो मजलूम जड़े साडे भाई जड़े ज़बह होए और उन्होंने दर्द असा इत्थे बह के महसूस करदे पए हां फिर अल्लाह सानू कोई जड़ा पैसा दित्ता उन्हां वास्ते असी पेश करिए अल्लाह करे साडा पैसा उत्थे जाके लगी ये भी जिहाद दी माल है। मुजाहिदीन हमास के मुजाहिदीन हिज़्बुल्लाह दे मुजाहिदीन उन्हां वास्ते अगर अल्लाह सानू मौका दे साडा पैसा उत्थे पहुंचे ये जिहाद बिल माल है। यानी कि माल को सही जगह उसको खर्च करना ये जिहाद में माल है। एक जिहाद में नफ्स ये नफ्स नाल जिहाद जड़ा सारा नफ्स है ना बड़ा कमीना नफ्स है। जिथे ड्रामा हो सी जिथे झूठ हो सी जिथे गुनाह हो सी उथे ते नफ्स ए सानू उथे लै के जांदा है। जिथे दीन दी गल हो सी अल्लाह रसूल दी गल हो सी ते फिर उथे ये कहंदा कि नहीं ए ते जाके चोरी करना है। इस नाल भी जिहाद ये जड़ा जिहाद है ये जिहाद नफ्स इस नाल जिहाद करदा है। हजरत मौलाना रूम फरमाया ना कि मेरा जो नफ्स है ये भी फिरौन से कम नहीं है। फिरौन के पास तो लौ लश्कर था उसके पास तो बहुत कुछ था और वो कहता था कि मैं खुदा हूँ ये नहरें हैं ये मेरे निजाम के तहत चल रही हैं मैं जो कहूँ वही हो जाऊंगा यही खुदा की तारीफ है मैं खुदा हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मेरा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है कि वो भी यहाँ ना आके मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है ये भी फिरौन तो घट नहीं है वो कहना जिसम जी मेरा वे नफ्स है सब मेरा कि मौलवी साहब आ कहने नमाज पढ़ मौलवी साहब आ कहने सुबह सुबह उठ पी साहब आ कहने पहने या तू जड़ा पांच टाइम नमाज पढ़ा कर झूठ ना बोला कर गुनाह तो बच जा अपनी अखा में हया पैदा कर ले और बाजार में चल नजर झुका के चल अपनी मां बहन का इहतराम कर लेकिन मैं नफ्स से मैं कहना कि नहीं नहीं ए जिसम तेरा वे तो मर्जी तेरी चलेगी मौलवी साहब पीर साहब की मस्जिद नहीं चल सकती जड़ी सच्ची गल दसने इन शैतान अलकुम अदुव मुबीन ये अल्लाह फरमाना कि शैतान थोड़ा के खुदा दुश्मन है।